जय माता दी। दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं गुरुग्राम की शीतला माता का दर्शन करने के लिए। आज इस वीडियो में आपको पूरा शीतला माता के बारे में बताएंगे कि ये माता कौन है और गुरु द्रोणाचार्य से इनका क्या संबंध है, ये माता का नाम कैसे शीतला माता पड़ा और इतनी भीड़ क्यों रहती है यहाँ पर, इतने भक्त जन दूर दूर से क्यों आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं। तो जानते ही इस वीडियो में बने रहे, पूरी वीडियो देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ये भी लेटेस्ट जानकारी है आपको, नवरात्रे से एक दिन पहले हम दर्शन के लिए गए हैं तो आपको ये सारी जानकारी अच्छे से मिलने वाली है। तो चलिए माता के दर्शन और जानकारी लेते हैं, माता है कौन। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत काल में पांडवों के गुरु थे, तो उन्हीं की पत्नी का नाम था कीर्ति। कीर्ति माता गरीब बच्चों की बहुत सेवा करती थी केशवपुरम गांव में, जो दिल्ली में था। तो गुरु द्रोणाचार्य यहाँ गुड़गांव से केशवपुर अपनी पत्नी से रोज मिलने के लिए जाते थे। वहाँ पर माता गरीब बच्चों की, दुखियों बच्चों की, बीमार बच्चों की बहुत सेवा करती थी और उनके प्रभाव से वो बच्चे सही भी हो जाते थे। तो इसीलिए लोगों ने उन्हें माता कहकर पुकारना शुरू किया। कुछ समय बाद जब माता का देहांत हो गया तो लोगों ने वहाँ पर माता का मंदिर बनाया और माता को शीतला माता का नाम दिया। कहते हैं कि इस मंदिर में यदि कोई व्यक्ति चरम रोग से पीड़ित आता है उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। जिन बच्चों को स्मॉल पॉक्स या छोटी माता निकलती है उनको माता रानी के दर्शन के लिए लाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को दूर दूर से जात लगाने के लिए लाते हैं, बच्चों की मन्नत भी पूरी होती है यहाँ पर शीतला माता मंदिर में। अगर कोई बच्चा तुतलाता है तो यहाँ पर जीभ भी चढ़ाते हैं, ये हमारे यहाँ भी करते हैं और हम कर भी चुके हैं। तो आप जानते हैं कि भई ये माता दिल्ली से, केशवपुर से यहाँ गुड़गांव में कैसे आई। कहते हैं कि एक चौधरी सिंह राम को माता रानी ने सपने में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मेरा ये मंदिर गुरु द्रोणाचार्य मंदिर के पास बनवाया जाए गुड़गांव में। तो माता का मंदिर वहां से यहां बनवाया गया और कुछ समय बाद बहुत बड़ा मंदिर भी बना। नवरात्र शुरू होने वाले हैं और माता के मेले की पूरी तैयारी हो चुकी है। दुकानें बहुत सुंदर सुंदर सज चुकी है। पहले नवरात्रे से ही यहाँ पर असंख्य भक्त दिन रात माता के दर्शन करेंगे। तो इसीलिए नवरात्रों में स्पेशल दर्शन माता देती है दिन रात 24 घंटे। वैसे तो नॉर्मल दिनों में यहाँ के पंडित जी ने बताया कि माता रानी को आराम भी करवाया जाता है, रात को उनके एसी रूम में नरमदार बिस्तर पर सुलाया जाता है। सुबह पंडित जी उनको उठाते हैं, सुंदर सुंदर लहंगे पहनाते हैं, तैयार करते हैं नहला धुला कर, और उनके भक्त जन इतने उनके भक्त हैं कि उनके कई महीने तक उनके जो नए नए लहंगे हैं वो बुक हो चुके हैं। माता रानी हर रोज नया लहंगा पहनती है उनके नाम का, वो आते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं। माता रानी की खास रसोई है, वहां पर उनका भोग बनता है, उनका प्रसाद बनता है उनको। लेकिन ये जो नवरात्रे चलेंगे इनमें माता रानी दिन रात अपने भक्तों को यहीं से दर्शन देंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भक्त जन माता रानी के दूर दूर से आते हैं। तो माता रानी अपने बच्चों को बिल्कुल भी उदास नहीं करेगी, सबको दर्शन देगी। और दर्शन के बाद हम पहुंचे हैं मुंडन हॉल में। अभी मंदिर का काम चल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें और चेंज हो जाएगी। वैसे यहाँ पर हर तरह का मुंडन व्यवस्था भी थी, यहाँ पर VIP मुंडन व्यवस्था भी थी, जो AC रूम भी है। तो ये सब यहाँ पर मुंडन हो रहा था। राम मिट्टी निकाली जाती है यहाँ पर, ये देखो थोड़ा सा ये यहाँ बना दिया है मिट्टी निकालने का। सब मिट्टी छोड़ रहे हैं अभी मंदिर में, क्या है कि काम चल रहा है।
तो मिट्टी भी यहाँ निकाली जा रही है और बाल भी यहीं उतारे जाएंगे। दर्शन कर लिए, ये यहाँ पर है माता रानी। हमने खूब दर्शन किए, भाई साहब ने बहुत सारे देखो, माता रानी ने बहुत आशीर्वाद दिया, गीत को भी आशीर्वाद दिया, मम्मी को भी आशीर्वाद में दिया, काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। और अब लगने वाली है कुछ दिन बाद यहाँ जबरदस्त भीड़, यहाँ मेला वेला खूब लग रहा है देखो इधर। तो दोस्तों माता रानी के लेटेस्ट दर्शन तो मैंने आपको करा दिए हैं, जितनी संभव हो सके सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करके प्लीज पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको तुरंत जानकारी देने की कोशिश करूंगी। अगर आपके यहाँ भी माता रानी को पूजा जाता है, माना जाता है, तो कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखना। माता रानी उम्मीद है करूंगी माता रानी के आपको दर्शन जरूर दें, बुलाएं माता रानी आपको और आपके परिवार को, खूब सारी ढेर सारी खुशियां दें। हमें तो भर भर के माता रानी ने आशीर्वाद दिया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आशीर्वाद मिल गया माता रानी का चुन्नी के रूप में और प्रसाद के रूप में बहुत सारे आशीर्वाद मिला। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो शेयर लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना, आपको बहुत पहले ही मिलती है माता रानी की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ दर्शन करने के मेरी वीडियो के बाद आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना, और अगर इच्छा जगी है तो भी कमेंट करके बताना कि आप भी जा रहे हो या गए थे, आपने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, यहाँ के कौन कौन कर चुका है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यही उम्मीद से मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाती रहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।